I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad, and it is my email ID. We are in the process of discussing theories of personality nowadays, and today I am going to take a very important theory of personality, that is Raymond Cattell's theory of personality. And the lecture will be in bilingual mode, and subscribe my channel to get my all videos, and this lecture will be useful for various teaching examinations. So let's start and be attentive. First of all, Raymond Cattell. हम लोग बात कर रहे हैं कैटल साहब की. कैटल साहब को हम लोग इंटेलिजेंस जब पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था. अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें तो हमने कैटल की कौन सी थ्योरी पढ़ी थी इंटेलिजेंस में? फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी. और इनका पर्सनालिटी पे भी काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक की पर्सनैलिटी के लिए ये ज्यादा जाने जाते हैं बनीबस्त की इंटेलिजेंस के. और पर्सनैलिटी में हम सभी लोगों ने जिसने भी साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ रखा है उसने जब जब पर्सनैलिटी पढ़ा है. कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर जरूर किया है. HSPQ के नाम से हम लोगों ने उसको किया है और कराया है. HSPQ हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर. तो देखते हैं रेमन कैटल साहब ने कैसे कैसे वो पहुंचे वहां तक. तो थे कौन ये? कैटल वॉज ईगर टू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स टू द ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी. मतलब ये बहुत उत्सुक थे बिकॉज इनका जो बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजिकल नहीं साइंटिफिक था. मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट से इनके पास साइंस के सब्जेक्ट से. हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जितने भी हमको मिलते हैं इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी में साइकोलॉजिस्ट, वो मेनली मूलतः साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, किसी और विधा के होते हैं और फिर ये ऐसा काम कर जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो कैटल वॉज ईगर टू अप्लाई the scientific methods to the human mind and personality. मतलब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ हम scientific method से personality को study करें, क्यों उसको हम इस तरह से कि mystery के रूप में रखें, उसको थोड़ा सा कुछ empirical करने की कोशिश की इन्होंने. तो according to him, through scientific studies, human characteristics and behavior could be predicted based on underlying personality traits. इन्होंने कहा कि अगर हम scientific method से scientific studies करते हैं human characteristics और behavior की, तो हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि particular व्यक्ति कैसे से बिहेव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनालिटी ट्रेट्स. ओके, देन कैटल वर्क विद साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन. देखिए हमने स्पीयरमैन भी पढ़ रखा है ना इंटेलिजेंस में, याद करिए. तो इंटेलिजेंस में स्पीयरमैन को हम लोग कब पढ़ते हैं? टू फैक्टर थ्योरी में, जी फैक्टर एस फैक्टर. ओके, तो कैटल वर्क विद साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन हु वाज नोन फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन स्टैटिस्टिक्स. चार्ल्स स्पीयरमैन को हम उनके स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने बहुत काम किया उसके लिए जाने जाते हैं. एंड कैटल वुड लेटर यूज द फैक्टर एनालिसिस टेक्निक्स डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन टू क्रिएट हिज ओन पर्सनालिटी टैक्सोनॉमी. देखिए फैक्टर एनालिसिस का नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना है. मूलतः इसको पियर्सन ने शुरू किया था और उसके बाद स्पीयरमैन ने इस पर बहुत काम किया. तो फैक्टर एनालिसिस क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे. तो फैक्टर एनालिसिस के तहत कैटल ने अपनी एक पर्सनैलिटी टैक्सोनॉमी बनाने की कोशिश की. अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड थ्योरी की. हमने आइजेक को भी ट्रेड थ्योरी में पढ़ा और हमको कैटल को भी ट्रेड थ्योरी में पढ़ना है. यहीं पर मैं एक सुधार करना चाहूंगी. पिछले वीडियो में गलती से मैंने आपको ये बोल दिया था कि टाइप थ्योरी जो है वो न्यूअर वर्जन है और ट्रेड थ्योरी पुरानी है. प्लीज 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 इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया. ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो न्यूअर हैं और टाइप थ्योरीज पुरानी हैं. देखिए मोटा मोटा ऐसे भी समझा जा सकता है कि टाइप थ्योरी का क्या मतलब है कि उन्होंने बता दिया मान लो इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको इंट्रोवर्ट में भी तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो उसका डीपर सब डीपर डिवीजन जो है वो ट्रेट है. और मोटा मोटा एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन टाइप है. इसलिए टाइप जो सबसे पुरातन हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं पर्सनैलिटी में वो टाइप थ्योरीज हैं. और जैसे जैसे वो रिफाइन होती जा रही है वैसे वैसे ट्रेड थ्योरी बनती जा रही है. तो प्लीज 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 पिछले लेक्चर में ये गलती हो गई है, इसको आप सुधार लीजिए कि टाइप थ्योरीज वर ओल्डर एंड ट्रेड थ्योरीज वर न्यूअर. तो ये हो गई बात. फिर कैटल ऑन पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी को कैटल कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कैटल ऑफर्ड अ रादर सिंपल डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. वो एक पर्सनैलिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? पर्सनैलिटी इज दैट, वो कह रहे हैं पर्सनैलिटी ऐसा कुछ है विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ वॉट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन. सिर्फ यही पर्सनैलिटी की डेफिनेशन उन्होंने बताई. उन्होंने कहा पर्सनैलिटी ऐसा कुछ है जो हमको ये प्रिडिक्ट कर सकती है, जो ये भविष्यवाणी कर सकती है. हम आपके बारे में भविष्यवाणी करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आएगी तो आप कैसे बिहेव करेंगे. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं. जैसी हमारी पर्सनैलिटी हो उससे इतर हमारा कोई बिहेवियर नहीं होता है. ओके, देन हिज थ्योरी इज अ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. हमने ट्रेड थ्योरी में मेनली अल्पर्ट, आइजेंक और कैटल ही पढ़ी जाती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हिम
ह्यूमन पर्सनैलिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रॉड ट्रेट्स और डिस्पोजिशंस। वो कह रहे हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो बहुत तरीके के ब्रॉड विस्तृत ट्रेट्स यानी शील गुण और डिस्पोजिशन से मिलकर बनता है। देन कैटल डिस्क्राइब्ड अ ट्रेट। ट्रेट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये? ट्रेट एज अ कलेक्शन ऑफ रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज। मतलब हमको जो जो स्टिमुलस मिलता है लाइफ में, जब जब हमको स्टिमुलस मिलता है तो हम जैसे जैसे रिएक्ट करते हैं या जैसा हम रिस्पॉन्स देते हैं उसका एक कलेक्शन है, उसका एक संग्रह है, बाउंड बाई सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी और उसमें एकता भी है। दस अलाउइंग द रिस्पॉन्सेज टू बी कवर्ड बाई वन टर्म एंड ट्रीटेड सिमिलरली इन मोस्ट सिचुएशंस। मतलब कि अगर हम जब जब हमको वैसा वैसा स्टिमुलस मिला तब तब हमने वैसा वैसा रिएक्शन दिया तो, और उसमें एक कंसिस्टेंसी भी है, एक यूनिटी भी है, तो हम उसको एक ब्रॉडर टर्म दे देते हैं और ये तय कर देते हैं कि मोस्टली सिमिलर सिचुएशन में हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे, उसी को ये ट्रेट कह रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू कैटल ट्रेट्स एंड टाइप्स आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट। देखिए टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी की बात होती है पर्सनैलिटी में, तो कैटल कह रहे हैं कि ट्रेट और टाइप मूलतः अलग नहीं है बट रादर ऑपोजिट एक्सट्रीम्स ऑफ द सेम स्टैटिस्टिकल मेजर। बल्कि एक ही सांख्यिकीय माप के दो विपरीत बिंदु हैं टाइप और ट्रेट। ओके, देन कैटल ऑन ट्रेट्स। अगर हम ट्रेट पे बात करें कैटल की, कि कैटल साहब ने ट्रेट के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने हमको क्लासिफिकेशन करके ट्रेट का बताया है कि ट्रेट सरफेस वर्सेस सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एनवायरमेंटल है, और एबिलिटी टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेट है। तो और जिसमें से भी कि मेनली वो सोर्स ट्रेट पे बात करते हैं, मेनली इनका जो भी पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर है, जो भी फैक्टर्स हैं, वो सोर्स ट्रेट पे ही डिपेंडेंट है। सोर्स ट्रेट को ही कहते हैं ये कि मोर पावरफुल है हमारी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट करने में। फिर भी पढ़ने के लिए सरफेस वर्सेज सोर्स ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेज एनवायरमेंटल ट्रेट, और एबिलिटी टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेट। एबिलिटी ट्रेट क्या है? एबिलिटी माने योग्यता, तो स्किल्स सच एज इंटेलिजेंस, हेल्पिंग ए पर्सन टू डील विद हिज एनवायरमेंट एंड गोल्स। टेम्परामेंट मतलब दिस स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए पर्सन लाइक ईजी गोइंग, मूडी, इरिटेबल एक्सेट्रा, ये हमारा टेम्परामेंट होता है। और डायनेमिक ट्रेट्स में पर्सन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट लाइक पास सीकिंग, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड एक्सेट्रा, और इसमें भी हो जाएगा एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स और अर्क्स। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ट्रेट पर कैटल के द्वारा। देन थोड़ा सा इसकी थ्योरी जान लें कि सरफेस ट्रेट या सेंट्रल ट्रेट जो कह रहे हैं वो क्या है। सरफेस ट्रेट को इन्होंने सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट वर्सेस सोर्स ट्रेट था ना, तो सरफेस ट्रेट को कह रहे हैं कि सरफेस का मतलब ये क्या, जो सतह पर है ना, वो सतह पर होगा तो क्या होगा, दिखेगा सामने से, तो सतह पर है आदि विजिबल क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, जेनरोसिटी एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि इस तरीके का ये गुण है हमारा व्यक्ति का जो हमको बाहर से दिखता है, जैसे वो दयालु है, वो ईमानदार है, उसका हेल्पिंग नेचर है, तो इसके लिए कुछ छुपाने हुआ नहीं है, वो सामने सामने। ऑन फर्दर स्टडी ही फाउंड सर्टेन ट्रेट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इंडिकेटेड सम डीपर मोर जनरल अंडरलाइन फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड इट सोर्स ट्रेट। और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे, ये तो सरफेस ट्रेट है ना जो दिख रहा है सामने से, विजिबल है, फिर कह रहे हैं कुछ हैं वो जो कभी कभी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा दिख रहे हैं, और उनके लिए आपको डीपर जाना पड़ेगा, उसको ये कह रहे हैं कि सोर्स ट्रेट है। देन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इज मेड अप ऑफ द सोर्स ट्रेट। देखा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो पर्सनैलिटी का बनता है वो सोर्स ट्रेट से बनता है, ना कि सरफेस ट्रेट से। दे आर द यूनिफाइंग फैक्टर्स ऑफ ए पर्सन पर्सनैलिटी। वो क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए यूनिफाइंग फैक्टर, मतलब उसको जोड़ के ही बन रही हमारी पर्सनैलिटी, दैट इंटरकोरिलेट द सर्फेस ट्रेट, और ये सर्फेस ट्रेट को इंटरकोरिलेट करता है। दे आर ए फ्यू ओनली बट दे प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये बहुत संख्या में कम होते हैं लेकिन आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ऑल ऑफ अस हैव द सोर्स ट्रेट इन अस। सब में, हम सब में सोर्स ट्रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, जैसे बुद्धि। देन कैटल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स एंड सर्फेस ट्रेट्स। सर्फेस ट्रेट्स आर वेरी ऑब्वियस एंड कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, वेयर इज नॉट फॉर सोर्स ट्रेट्स। वो कह रहे हैं कि सोर्स और सर्फेस ट्रेट में हम कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, कि जो सर्फेस ट्रेट है वो ऑब्वियस है, इजीली विजिबल है, जबकि जो सोर्स ट्रेट है वो क्या है आपका, नॉट फॉर सोर्स ट्रेट, मतलब वो ना ही उतना इजीली विजिबल है, ना ही उतना आप उसको ऑब्वियस है। आज शादी का सीजन है, बहुत शोर हो रहा है, एक मिनट में दरवाजा बंद करती हूँ। फैक्टर एनालिसिस टेक्निक।
हम लोग बार बार फैक्टर एनालिसिस टेक्निक की बात करते हैं. क्या है ये फैक्टर एनालिसिस टेक्निक? वन ऑफ द की थियरीज ऑफ साइकोमेट्रिक रिसर्च इज फैक्टर एनालिसिस. जब जब हम साइकोमेट्रिक रिसर्च की बात करते हैं, चाहे इंटेलिजेंस में, चाहे पर्सनैलिटी में, जहां भी फैक्टर एनालिसिस की बात होती है. रेमंड कैटल हेल्प्ड टू एडवांस दिस स्टैटिस्टिकल मेथड इन द 1920s एज अ वे टू इम्प्रूव करेंट मॉडल्स ऑफ मेजरमेंट इन साइकोलॉजी. रेमंड कैटल ने क्या किया कि इस स्टैटिस्टिकल मेथड को 1920 में उन्होंने इस पर काम किया, जिससे कि जो भी मेजरमेंट साइकोलॉजी का उस वक्त चल रहा था, उसको थोड़ा सा हम मॉडल को, उस मॉडल को, उस नमूने को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें. देन फैक्टर एनालिसिस इज अ मेथड टू फाइंड अंडरलाइंग कोरिलेशंस इन लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा. क्या इसका काम होता है? अब ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना हमको पता होना चाहिए कि इससे क्या हम कर सकते हैं कि बहुत बड़े समूह का हमको वर्ग आंकड़ा है हमारे पास, डेटा है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, कोरिलेशंस ढूंढ सकते हैं, जिसे हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे. इसीलिए फैक्टर एनालिसिस कह रहे हैं इसको. इट इज अ ग्रेट टूल फॉर सिंप्लीफाइंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन. कह रहे हैं ना कि ये ऐसा टूल है जिसे बहुत बड़े डेटा में से हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे. तो द फैक्टर एनालिसिस मेथड इज व्हाट लेड कैटल टू आइडेंटिफाई 16 सोर्स ट्रेट्स. ही ऑफन यूजेस द टर्म सोर्स ट्रेट एंड फैक्टर इंटरचेंजेबली. तो इसी फैक्टर एनालिसिस की सहायता से कैटल साहब 16 सोर्स ट्रेट तक पहुंचे. हमने कल भी आपको बताया था कि गॉर्डन ऑलपर्ट ने 4000 ट्रेट्स की, मतलब आप कह सकते हैं फैक्टर्स की बात की थी. तो 4000, उसमें बहुत सारे रिडंडेंट थी, बहुत सारे रिपीटेटिव थी, बहुत सारी ऐसी थी जो एकदम ओवरलैपिंग थी. तो उस पर काम करते करते पहले वो 171 तक लाए और फिर इन्होंने इसको 16 तक रिड्यूस किया जाके. तो ये बहुत बड़ा काम रहा. These 16 factors are central to his personality theory. और इन्होंने जो अपनी व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है उसके लिए ये 16 factors, 16 कारक जो है उसके केंद्रीय बिंदु है, हमको जानना बहुत जरूरी है. Then theory of personality, क्या कह रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत पर कैटल? ये कह रहे हैं कि the goal of Cattle's personality theory was to establish a common taxonomy of personality traits. यानी कि व्यक्तित्व के गुणों की हमको एक वर्गीकी बनानी है. ये कह रहे हैं टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, हायरार्की की बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि कहीं क्रम है, कहीं प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर और सब सेकेंडरी फैक्टर, कुछ इस तरीके की बात है. देन कैटल रिगार्डेड सोर्स ट्रेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी देन सर्फेस ट्रेट्स. ये बात कई बार आ गई कि सर्फेस ट्रेट हमारे लिए उतने जरूरी नहीं है, सोर्स ट्रेट ज्यादा जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी के प्रिडिक्शन में. देन अकॉर्डिंग टू कैटल देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. वो कह रहे हैं कि इसका एक कंटिन्यूएशन है, ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है, कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकती है, मतलब एक कंटिन्यूम है. जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंट, तो लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ये कंटिन्यूम है. अगर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ये कोई कंटिन्यूम पे चलता है कि कहीं पे हम इंट्रोवर्ट हैं, कहीं हम ज्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरफ जा रहे हैं, कहीं हम ज्यादा इंट्रोवर्ट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से. इन अदर वर्ड्स ईच पर्सन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज 16 ट्रेट्स टू अ सर्टेन डिग्री. वो कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के पास ये सारे 16 गुण होते हैं, बस डिग्री अलग होती, सीमा अलग होती, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, दैट्स इट. और यही हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी बना देती है. देखिए ये है इतना लंबा चौड़ा जो आपको अगर चाहे तो आप याद कर सकते हैं, और याद कर लेंगे तो आपका उत्तर एकदम यू कैन से दमदार हो जाएगा. देखिए 16 हैं, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हो गया ना. तो ये है प्राइमरी स्केल्स. और देखिए ये इनका स्केल है वार्म्थ. वार्म्थ इन्होंने एक ले लिया फैक्टर. अब इसी का डिस्क्रिप्शन अगर हाई रेंज में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वार्म हार्टेड होगा व्यक्ति, केयरिंग होगा, अटेंटिव टू अदर्स होगा. और इसी का अगर लो रेंज में जाएगा तो वो रिजर्वड होगा, इम्पर्सनल होगा, डिस्टेंस, सबसे दूरी बना के रखेगा, मतलब गर्मजोशी से नहीं मिलेगा. उसी तरह से अगर रीजनिंग हमारा जो है वो फैक्टर है, उसका हाई रेंज क्या होगा, हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएंगे, हम ब्राइट होंगे, हम फास्ट लर्नर होंगे. लेकिन उसका लोअर रेंज क्या होगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग कर सकते हैं, लोअर मेंटल कैपेसिटी है हमारे पास. इस तरीके से करके इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, प्राइवेटनेस, एप्रिहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म और टेंशन. इतने इन्होंने 16 फैक्टर ढूंढे और हमको बताए कि ये हमारे प्राइमरी स्केल्स हैं. बाद में आपको ये जो नीचे ग्लोबल स्केल्स दिख रहा है, इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमारा बन जाता है और उसके बाद ये लोग मतलब उस पर काम करना बंद कर देते हैं. सतत उस पर काम होता रहता है, कई रिवीजन उसके आते रहते हैं. तो चौथे पांचवें रिवीजन में ये पाया गया कि हमको ग्लोबल स्केल्स की भी जरूरत पड़ेगी. फिर इन्होंने ये 5 निकाल दिए हैं, एक्स्ट्रावर्जन, एंग्जाइटी, न्यूरोटिसिज्म, टफ माइंडेडनेस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ कंट्रोल. ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा. देन 16 PF क्वेश्चन है.
केटल डेवलप्ड एन असेसमेंट बेस्ड ऑन दी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जो उन्होंने 16 पर हमारे व्यक्तित्व के कारक निकाल के दिए उसी पर उन्होंने अपना एक आकलन एक क्वेश्चनियर बना दिया। द टेस्ट इज नोन एज द 16 पीएफ पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर एंड इट्स स्टिल फ्रीक्वेंटली यूज्ड टुडे स्पेशली इन कैरियर काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग एंड इन बिजनेस फॉर एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन। मतलब आज भी 16 पीएफ बहुत यूज किया जाता है और बहुत मतलब बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलन में है आज तक। देन The 16 PF yields scores on primary and second order global traits. देखिए वो कह रहे हैं ना hierarchy है personality की, इसलिए primary order trait निकल रहा है, उसके नीचे second order trait निकल रहा है, इस तरीके से multi-level description चल रहा है individual का, ताकि हम एकदम unique personality आपकी निकाल कर बता सकें कि what type of personality do you have. The 16 PF yields scores on primary and second order global traits, thereby allowing a multi-level description of each individual's unique personality profile. Okay, then Cattle and his co-workers also constructed downward extensions of the 16 PF. यानी कि वो सिर्फ 16 PF personality questionnaire बना के रुक नहीं गए, बल्कि उन्होंने और काम किया उस पे। Younger age ranges के लिए उन्होंने क्या बनाया? HSPQ, High School Personality Questionnaire, जिसको अब Adolescent Personality Questionnaire के नाम से जानते हैं, APQ। फिर उन्होंने बनाया Children Personality Questionnaire, उन्होंने बनाया Early School Personality Questionnaire, Pre-School Personality Questionnaire, ये सब है HSPQ, APQ, CPQ, ESPQ and PSPQ, जिसमें से कि HSPQ, जिसको कि अब APQ कह रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, जिसमें कि हमको कहा जाता है कि पर्सनैलिटी निकालो 16 से 18 साल के बच्चे की, तो हम HSPQ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, then conclusion, कैसे कंक्लूड करें हम कैटल को? तो आइजेंक का क्या था, दो ही डायमेंशन उन्होंने बताए थे, एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म, बाद में उन्होंने साइकोटिसिज्म बताया। तो कैटल इनसे जो थे वो असहमत थे, उन्होंने कहा पर्सनैलिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज आप तीन डायमेंशन के थ्रू कैसे बता सकते हैं। कैटल डिसएग्रीड विद आइजेंक्स व्यू दैट पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड, cannot होना चाहिए था, cannot be understood by looking at only two or three dimensions of behavior. Instead, he argued that it was necessary to look at a much larger number of traits in order to get a complete picture of someone's personality. और फिर इन्होंने हमको 16 फैक्टर निकाल के दिए, जो बहुत हद तक हमारे कंपोजिट पिक्चर निकाल देते हैं, बट हर थ्योरी की आलोचना भी होती है, इसकी भी हुई। कैसे? The most apparent criticism of Kettle's 16 personality factor model is the fact that despite many attempts, his theory has never been entirely replicated. हाँ भाई, हमारा अगर ये साइंटिफिक है, अगर ये इंपेरिकली टेस्टेड है, इसका मतलब कि इसमें रिलायबिलिटी होना चाहिए, हम इसकी रेप्लिकेशन रेप्लिकेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम इसका जनरलाइजेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जनरलाइज रेप्लिकेट नहीं कर पाए, दोबारा नहीं कर पाए, तो बहुत इस पे क्रिटिसिज्म हुआ। तो डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म ऑफ केटल्स हाइपोथेसिस, हिज एम्पिरिकल फाइंडिंग्स लेड द वे फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड लेटर डिस्कवरी ऑफ द बिग फाइव डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, है ना। ये बहुत पॉपुलर है आजकल बिग फाइव, क्योंकि भाई केटल का इतना ज्यादा है, आइजेंक का इतना कम है, तो कुछ ऐसा लेके चलें जो मोटा मोटा इतना हो कि हम उससे सफिशियंट नंबर ऑफ उसमें फैक्टर्स हों और हम आपकी पर्सनैलिटी बता सकें। तो उसके लिए बिग फाइव बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको बनाया फिस्के एंड ट्यूब्स एंड क्रिस्टल ने। इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया केटल के वेरिएबल को, फाइव रिकरेंट फैक्टर्स निकाल के ले आए, कौन कौन से, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंटेलेक्ट और ओपननेस, जिसको कि कल मैंने ओशियन के नाम से आपको बताया था। ओके, तो पर्सनैलिटी में हम लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट थियरी को कवर कर लिया है। अब सिर्फ हमारे कोर्स में एक इरिक्सन बचा है, बहुत और हैं, वॉलपॉट हैं, और भी हैं, लेकिन तब भी जनरली यही पूछते हैं क्या, फ्रायड, कैटल, रोजर, आइजेंक और इरिक्सन। तो उसमें से सिर्फ एडिक्शन बचा है, वो भी मैं कवर कर दूंगी। तो पर्सनैलिटी जैसा मेजर टॉपिक मैं कवर कर लूंगी, मतलब पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस पढ़ाना अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क रहता है। ओके, सो मैं लगभग पर्सनैलिटी खत्म करने के कगार पे हूँ। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम स्कैन टू ज्वाइन टाइप एक्सप्लोर एजुकेशन। ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन कन्वर्सेट विद मी देयर, डन फ्रॉम माई साइड।